गूगल सिक्योरिटी अलर्ट्स। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़र हो या फिर आप कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते हो, आपके पास जीमेल का अकाउंट है, तो आपने कभी ना कभी गूगल सिक्योरिटी अलर्ट्स के बारे में सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गूगल सिक्योरिटी अलर्ट क्या होता है, ये क्यों आता है और इससे क्या हमारी आईडी को कोई खतरा होता है हैक वैक होने का, और इस प्रॉब्लम को हम लोग सही तरीके से रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिएगा, इससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो हे गाइस, दिस इज द प्रिंस रॉय और आप देख रहे हो आईटी एक्सप्लोरर। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, गूगल सिक्योरिटी अलर्ट्स होता क्या है? गूगल सिक्योरिटी अलर्ट्स, गूगल आपको अलर्ट भेजता है उस टाइम पे जब आपके जीमेल में या फिर गूगल के रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट में, चाहे वो यूट्यूब, चाहे वो हो ड्राइव, चाहे वो हो फोटोज, वहाँ पे कोई ज़बरदस्ती या अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करेगा। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे आपके पासवर्ड को यूज़ करके, या फिर आपकी कुकीज़ को इस्तेमाल करके, या फिर किसी थर्ड पार्टी बग को इस्तेमाल करके जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल है या फिर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में अवेलेबल है। अब बहुत से महान लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि पासवर्ड को चेंज करो, उसके बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा लो, उसके बाद 100% सिक्योर है, कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद आप आराम से सो सकते हो। हाँ, ये मेथड कुछ तरीके से सही है, बट यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे आपका अकाउंट 100% सिक्योर हो सकता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ये प्रॉब्लम आती क्यों है। मोस्टली प्रॉब्लम ये तब आती है जब आप मोबाइल फ़ोन में या फिर पीसी में मॉड एप्लीकेशन या फिर क्रैक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो। ये आपको बड़ी आसानी के साथ सभी जगह पे फ्रीली अवेलेबल हो जाती है, जो कि हज़ारों रुपए के सॉफ्टवेयर होते हैं आपको फ्री में मिल जाते हैं। बट क्यों मिल जाते हैं? जो वेबसाइट पे ये पोस्ट किया जाता है वो सॉफ्टवेयर के साथ कुछ ना कुछ बग लेते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें डाल देते हैं, उसके बाद उसी चीज़ों को यूज़ करके वो आपके प्राइवेट डेटा को चोरी करते हैं और ब्लैक मार्केट में सेल करते हैं। मान लो अगर आपकी एक जीमेल आईडी है, उसको हैक करके वो लोग उसे बड़ी आसानी के साथ $15 से $20 में सेल कर देंगे। अगर वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी, सपोज आपकी 2004 की या 2005 की आईडी है, तो आराम से वो $20 में सेल हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, अगर आप वो एग्जांपल समझ गए तो आपको गूगल सिक्योरिटी अलर्ट आप समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। मान लो आप एक घर में रहते हो जहाँ पे आपने मेन डोर पर और विंडोज़ पर कुछ अलार्म सिस्टम लगा रखे हैं जो कि बताएगा कि किसी ने अनऑथराइज तरीके से आपके डोर को या फिर विंडोज़ को ओपन करने की कोशिश की है। मान लो आप रात को सो रहे हो और आपका अलार्म बज गया, तो यहाँ पे दो केस होंगे, दो काम आप कर सकते हो। एक तो आप पूरा घर चेक करोगे कि आपके घर में कोई चोर वगैरह तो एंटर नहीं किया है। जब आप पूरा घर चेक कर लोगे तो उसके बाद आपको श्योर हो जाएगा कि यहाँ पे कोई चोर वगैरह एंटर नहीं हुआ, उसके बाद आप डोर को लॉक करके अलार्म बंद कर सकते हो। और दूसरा केस क्या होगा, सिंपल आप उठोगे, देखोगे भाई डोर बंद है, तो फिर आप उसको प्रॉपर लॉक करोगे और उसका अलार्म सिस्टम बंद करोगे और सो जाओगे। मोस्टली लोग सेकंड चीज़ ही करते हैं। वो क्या करते हैं, जब भी उनको सिक्योरिटी अलर्ट आता है गूगल पे, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग पासवर्ड को चेंज करते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाते हैं, उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं वहाँ पे कि कुछ भी नहीं हुआ है, अब हमारा अकाउंट 100% सिक्योर है। बट वो लोग उस बग को ढूंढने की कोशिश नहीं करते, एक बार चेक भी नहीं करते कि उनके अकाउंट में कोई बग तो नहीं लग चुका या फिर कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नहीं रख दी है जिससे बाद में वो हैकर है वो आपका अकाउंट एक्सेस कर सके। और ऐसा होता भी है, कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आपके अकाउंट से जो फोटोज़ वगैरह होती है वो चोरी होना स्टार्ट हो जाती है, आपके ईमेल क्रिएट किए जाते हैं, आपके यूट्यूब पर कुछ अननेसेसरी वीडियोज़ को पोस्ट किया जाता है कुछ हैकर्स की तरफ से, उसके बाद आपको समझ में नहीं आता क्या होता है और आप काफ़ी ज़्यादा डर जाते हो कि भाई ये हो कहाँ से रहा है। तो असल में अगर आप सही टाइम पे सही एक्शन लोगे तो आप इससे बच सकते हो। अभी रिसेंटली मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी, जो मेरा मेन यूट्यूब चैनल है जिस पे आप मुझे अभी देख रहे हो, उस पे मुझे अनऑथराइज एक्सेस देखने को मिला था। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे हुआ था, इसमें हैकर ने क्या किया था। मैंने रिसेंटली अपना लिंक्डइन का अकाउंट सेटअप किया था और लिंक्डइन अकाउंट को अपने इस जीमेल के साथ लिंक किया था। अब जैसे कि आप लोग जानते हो 99% वेबसाइट पर एक गूगल का बटन दिया जाता है जहां से आप लोग अपनी आईडी को डायरेक्टली बना सकते हो, वहां पे आपको कुछ भरना नहीं पड़ता है, सिंपल एक क्लिक पे आप लॉगिन कर सकते हो। पर उस क्लिक को करने के लिए आप कुछ परमिशन देते हो, अपने जीमेल के साथ उसे लिंक कर देते हो, ताकि वहां पे जो थर्ड पार्टी वेबसाइट को आप एक्सेस दे रहे हो वहाँ पे उसे वो मॉडिफाई भी कर सकता है, कुछ चेंजेस भी कर सकता है। तो मैंने भी यही किया था, मैंने लिंक्डइन को डायरेक्टली वहाँ से अकाउंट बना लिया था एक क्लिक करके। और उसके बाद क्या हुआ था, कुछ दिनों बाद जो हैकर था मेरे पीसी में, मे बी बग वगैरह होगा, बिकॉज मैं कुछ चीज़ें टेस्ट करता रहता हूँ, कुछ क्रैक वगैरह भी देखता हूँ, कुछ पैच चीज़ें भी रहती है, तो मुझे पता है मेरे पीसी में कहीं ना कहीं बग वगैरह है। तो उस बग को यूज़ करके और उसने उसकी कुकीज़ को इस्तेमाल करके, जो लिंक्डइन वाली कुकी थी, उससे मेरे अकाउंट को एक्सेस किया था। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। तो ये जो मेरा अकाउंट है ये लिंक्डइन के थ्रू एक्सेस किया गया था और ये मे बी यूनाइटेड स्टेट्स समथिंग कहीं से किया गया था। तो फिर जब मेरे पास ये अलर्ट आया तो फिलहाल मैंने सबसे पहला काम यही किया कि मैंने लिंक्डइन अकाउंट को यहाँ से रिमूव कर दिया जो कि थर्ड पार्टी एक्सेस दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी अनवांटेड एप्लीकेशन थी, मैंने वो भी रिमूव कर दी
और टू स्टेप वेरिफिकेशन तो ऑलरेडी लगी हुई थी, इस वजह से मेरा अकाउंट बच गया। तो अगर आपको गूगल सिक्योरिटी अलर्ट देखने को मिलता है तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है, सबसे पहले आपने जाकर उस वजह को फाइंड करना है किस वजह से आ रहा है। आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दी है या फिर किसी कुकीज की वजह से या फिर किसी बग की वजह से या फिर आपने रिसेंटली कोई एप्लीकेशन को लॉगिन किया है या फिर आपने कोई ईमेल पे क्लिक किया है, वहाँ से भी ये सब अलर्ट आ सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये होगी। सेकंड ये होती है आपने अपना पासवर्ड चेंज करना है, इनकेस किसी हैकर ने अगर आपकी कुकीज़ चुराई होंगी तो अगर आप पासवर्ड चेंज कर दोगे तो जो कुकीज़ पे आईडी लॉगिन होगी वो लॉग आउट हो जाएगी, उससे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। थर्ड चीज़ आपने ये करनी है, आपने अपने अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन लगानी है। टू स्टेप वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर की और ईमेल आईडी को छोड़कर उसके अलावा आप गूगल ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन की लगा सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहती है। इन केस अगर आपकी कोई कुकीज़ वगैरह भी चुराता है तो आपका पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा, आपके पास एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा आपको पासवर्ड वगैरह चेंज करने का। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। और वहाँ पे चौथा काम ये कर सकते हो, आप सेफ ब्राउजिंग को इनेबल कर सकते हो जो कि आपके गूगल या फिर जीमेल में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हो। अब जो फिफ्थ चीज़ आपने करनी है, आपने गूगल क्रोम को अवॉइड करना है मोबाइल में से भी और पीसी में से भी। उसकी जगह आप लोग फायरफॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज गूगल इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं। गूगल की जो कुकीज़ होती हैं वो सी ड्राइव में सेव होती रहती हैं, और अगर आपने रिसेंटली किसी क्रैक या फिर मॉड एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है, मॉड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है और उसमें बग है, तो कोई भी बड़ी आसानी के साथ आपका अकाउंट एक्सेस कर लेगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है और आपने पासवर्ड टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है। तो गाइस इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप लोग गूगल सिक्योरिटी अलर्ट्स को फिक्स कर सकते हो बिल्कुल सही तरीके से। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेश्चन कोई या डिमांड है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।